गाय सर्दियों के दिनों के अंदर रजाई के अंदर घुस के जो भी आप लोग लंठाई करते हैं, मास्टरबेशन करते हैं, जिसकी वजह से आपका वीर्य नष्ट हो जाता है और आपकी बॉडी नहीं बनती, तो उस खोई हुई एनर्जी को आप लोग कैसे वापस ला सकते हैं, फिर से कैसे वीर्यवान बन सकते हैं, अपनी बॉडी कैसे बना सकते हैं, चाहे आपको वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है या फिर मसल बिल्ड करना है, तो यार क्या करना चाहिए आप लोगों को, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको नेचुरल तरीके बताने वाला हूँ, जिसके अंदर आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि नेचुरल सप्लीमेंट आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए फिर से वीर्यवान बनने के लिए या फिर उस खोई हुई एनर्जी को वापस लाने के लिए, और क्या क्या चीज़ें आपको अपनी डाइट के अंदर ऐड करनी है और क्या चीज़ें आपको छोड़नी है, फिर से बॉडी कैसे बनानी है, वीर्यवान कैसे बनना है, पूरा इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखना अगर आप लोग अपनी खोई हुई एनर्जी को वापस लाना चाहते हैं। चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट वीडियो। गाइस सबसे पहला तरीका आप लोगों को ये फॉलो करना है कि आप लोगों को अपना फ़ोन छोड़ना पड़ेगा, मोबाइल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा अश्लील चीज़ें आप लोग देखते हैं या फिर कुछ भी ऐसे, मतलब आपका मन ना ठरकी हो जाता है जब आप लोग अकेले होते हो, रजाई के अंदर घुस के ना पेलम पेला करते रहते हो, तो उसकी वजह से आपका वीर्य नष्ट होता है और आपकी बॉडी में से वो एनर्जी चली जाती है। तो यार अगर आप लोगों को वीर्यवान बनना है तो आप लोगों को ये लंठाई बंद करनी पड़ेगी, अपने फ़ोन को साइड पर रख के बस आपको रात को सोना है, प्रॉपर रेस्ट करनी है। तो सबसे पहला तरीका आप लोगों को ये फॉलो करना है, ज़्यादातर रेस्ट करना है और अपने फ़ोन को साइड पर रखना है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, यही लंठाई करते हैं, मास्टरबेशन करने लगते हैं, जिसकी वजह से आपका वीर्य नष्ट होता है। तो भाई उसको बचा के रखे, ब्रह्मचर्य का पालन करें। गाइस अगर आप लोगों को तेज़ी से वीर्यवान बनना है तो आप लोगों को अपनी डाइट के अंदर काले चने ऐड करने पड़ेंगे। काले चने से आप लोगों के अंदर घोड़े जैसी ताकत आ जाएगी। 100 ग्राम काले चने के अंदर आप लोगों को कम से कम 20 से 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी 20 से 25 ग्राम मिल जाती है और आपको साथ ही साथ गुड फैट भी मिल जाती है। इसके अलावा इसके अंदर और भी बहुत सारे मल्टीविटामिन वगैरह होते हैं, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, जो कि आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और आप लोगों की बॉडी के अंदर फिर से ताकत आ जाती है। तो इसलिए अगर आप लोगों को अपना स्पर्म काउंट भी गाढ़ा करना है, अपना स्पर्म काउंट बढ़ाना है, वीर्यवान बनना है, तो आप लोगों को अपनी डाइट के अंदर काले चने जरूर ऐड करने हैं। इसको बनाने का सिंपल सा तरीका, रात को भिगो दे, सुबह उठ के खा लें, आपकी बॉडी के अंदर खोई हुई एनर्जी वापस आ जाएगी। तीसरा तरीका गाइस, आप लोगों को अपनी डाइट के अंदर नेचुरल सप्लीमेंट हमेशा ऐड करना चाहिए अगर आप लोगों को वीर्यवान बनना है या फिर अपनी खोई हुई ताकत को जल्दी से वापस लाना है। तो यहाँ पर मैं आपको दो नेचुरल सप्लीमेंट्स का सजेशन देने वाला हूँ, एक आपका शिलाजीत होगा और दूसरा आपका होगा अश्वगंधा। इन दोनों में से कोई भी एक सप्लीमेंट आप लोगों को यूज़ करना है, देन उसके बाद देखना भाई आपकी बॉडी के अंदर घोड़े जैसी ताकत आ जाएगी, आप लोग वीर्यवान बन जाएंगे एंड आपकी बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ स्टेमिना बढ़ जाएगा जिसका कोई हिसाब नहीं। भाई ट्राई करके देखना, अश्वगंधा सोने से पहले खाना है डेली 5 ग्राम और शिलाजीत आप लोगों को कैप्सूल फॉर्म के अंदर भी मिलेगी, पाउडर फॉर्म के अंदर भी मिलेगी, तो उसको देख लेना भाई कैसे खाना है, वहाँ पर लिखा होता है, क्योंकि उसकी अलग अलग डोज होती है। तो आप लोग उस तरीके से दूध के अंदर डाल के खाएं तो आप लोगों को विद इन 2 मंथ के अंदर बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चौथा एंड लास्ट नेचुरल तरीका कि गाइस आप लोगों को लोअर बॉडी पोशन की एक्सरसाइजेस हमेशा करनी चाहिए। अगर आप लोग लोअर बॉडी पोशन की एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप लोगों का टेस्टोस्टेरोन लेवल कभी नहीं बढ़ेगा। अगर आप लोगों को वीर्यवान बनना है तो लोअर बॉडी पोशन की एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, जैसे आपका स्क्वाट्स हो जाएगा, स्टेप अप हो जाएगा, जो भी लेग्स की एक्सरसाइजेस हैं वो आपको सारी की सारी करनी है, उससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। तो गाइस ये 4 नेचुरल तरीके फॉलो करके आप लोग अपनी खोई हुई एनर्जी को वापस ला सकते हैं। आप लोगों को जिम जाने की जरूरत भी नहीं है, घर पे वर्कआउट करें, इन तरीकों को फॉलो करें, जो भी सप्लीमेंट मैंने आपको बताया इसको अपनी डाइट के अंदर ऐड करना, जो काले चने बताए हैं वो खाना है, ठीक है, अपने फ़ोन को साइड पे रखना है, प्रॉपर रेस्ट करनी है, देखना उसके बाद आप लोगों को विद इन 30 डेज के अंदर बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो गाइस यही थी मेरी आज की एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो का, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक कमेंट कर देना, अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को क्या करना है, सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है, इसी तरह आपको और भी वीडियोज़ मिलती रहेंगी जो कि आप लोगों की बॉडी बनाने में और आप लोगों की नॉलेज बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले। तो चलिए गाइस आज की वीडियो यहीं पे एंड कर दें, मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, गुड बाय।